नी मैं एंड्रॉयड डेवेलपर क्यों बना कैसे बना और आप कितने पैसे कमा सकते हो अगर आप खुद फ्री लैंसिंग करते हो खुद अपनी एप्स बना के प्ले स्टोर पर डाल देते हो या फिर अगर आप किसी कंपनी के लिए एंड्रॉयड डेवेल्पर जॉब परस्यू करते हो तो आप कितने पैसे कमा सकते हो द मेन आइडिया ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो टुडे इज कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि आजकल काफी स्टूडेंट्स दस पंद्रह कोर्सेज कर लेते हैं डेवलपमेंट में आई एस डेवेल्पमेंट में कोई भी हो पर एक मंथ बाद अगर आप किसी कोर्स से पांच दस चीजें सीखते हो तो आप आधी चीजें एक महीने बाद भूल जाते हो दो तीन महीने बाद वो दस की दस या फिर एक आधी चीज ही आपको याद रहती है बाकी आप सारी चीजें भूल जाते हो क्यों क्योंकि यू आर जस्ट लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मतलब एक कोर्स को मूवी समझ के पॉपकॉर्न खाते हुए देख लिया बट द रियलिटी इज अगर आपको कुछ भी सीखना है यू हैव टू लर्न बाय डूइंग चाहे आप शायद दो तीन चीजें सीखो या पांच चीजें सीखो बाय डूइंग अ स्मॉल प्रोजेक्ट पर वो पांच चीजें आपको याद रहेंगी क्योंकि यू आर लर्निंग बाय डूइंग सो स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी से तो मुझे अभी भी याद है मैं इलेवेंथ स्टैंडर्ड में था तो तब मैंने फिजिकल एजुकेशन ली थी नॉन मेडिकल के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिकल एजुकेशन एक महीना गया फिजिकल एजुकेशन में मैं रट्टे मार रहा था तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी तो ही फोर्स में कि चल आ जाए इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस आप उसे कंप्यूटर साइंस भी कह सकते हो आई भी कह सकते हो सो कंप्यूटर साइंस की क्लास में उसने मुझे बुलाया कि आ जाए एक दिन बैठते हैं यू मे लाइक इट और मैं सिर्फ एक ही दिन बैठा मुझे लगा मैंने एक महीने का सिलेबस कवर ही नहीं किया मतलब रैंडमली चला गया मुझे क्या समझ आएगा बट मेरे टीचर हमारे स्कूल में बहुत अच्छे थे स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल इतने अच्छे थे पहले दिन से ही मुझे लगा ही नहीं कि मैंने एक महीने का सिलेबस मिस किया आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इमिडिएटली और हम उस दिन सीकल डेटाबेस पे काम कर रहे थे एंड मुझे इतना अच्छा लगा मैंने प्रोफेसर से उसे वो पूछ लिया कि इसके अलावा क्या क्या होता है कंप्यूटर साइंस में उन्होंने मुझे एक ही दिन में सेम डे मुझे सारी डिटेल्स बता दी कंप्यूटर साइंस में यूक जावा पाइथन ये सारा जितना भी सिलेबस था हर चीज़ मुझे ब्लाइंडली बताई एंड मुझे एक्सप्लेन किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि यही तो एक क्लास है जिसमें मुझे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा वर्सेज मैं सारा टाइम रट रट के याद कर कर के चीजें फिजिकल एजुकेशन में थक जाऊंगा और मेरे अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे तो उसी दिन से मुझे लगा कि आई शुड परस्यू फिजिकल एजुकेशन की जगह कंप्यूटर साइंस इन माई हाई स्कूल जहां से मेरी शुरुआत हुई जावा प्रोग्रामिंग से एंड माई सिकुलेटा बेस अब इलेवंथ गया ट्वेल्थ गया मैंने बहुत अच्छे नंबर आए मेरे इनफैक्ट मेरे हाइएस्ट मार्क्स ही कंप्यूटर साइंस में आते थे नाइन्टी आउट ऑफ हंड्रेड इलेवंथ में नाइनटी नाइन आउट ऑफ हंड्रेड ट्वेल्थ में तो चलो ये मार्क्स तो ठीक है ट्वेल्थ के बाद जब मुझे कॉलेज जाना था तब हमारे पास तीन महीने होते हैं तो मैंने कहा कि जावा तो मैंने सीखी हुई है क्यों ना उसे यूज किया जाए और तब फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इंस्पायर किया ही शेयर्ड उसने काफी प्ले स्टोर पर एप्स पब्लिश की हुई है सो लेट मी शो यू ऑल तब उस टाइम पे कॉपीराइट फोटोज का इतना इश्यू नहीं होता था सो ही मेड अ लॉट ऑफ वॉलपेपर एप्स रूट चेकर एप्स ये सारी एप्स बना के उसने मुझे इतना इंस्पायर किया आपको बताता हूँ अगर आज आप फ्रीलांसिंग करते हो ऐसी एप्स बनाते हो दिन यू कैन लिटरली मेक हंड्रेड टू टू हंड्रेड डॉलर पर मंथ अगर आप अच्छे से एड्स डालते हो और आपके हंड्रेड थाउजेंड के आसपास डाउनलोड्स आ जाते हैं इन ऐप्स पे और वो एक्टिव भी रहती है डाउनलोड्स इज वन थिंग अगर कोई बंदा खोल रहा है तभी एड्स देखेंगे ना सो so, अगर आपके एक्टिव डीट पांच दस हजार यूजर्स हैं तो आप हंड्रेड डॉलर के आसपास गूगल एडसेंस से इंडिया में वॉलपेपर एक्साम्पल अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करो इफ यू टू चेक आउट दीपिका पादुकोन वॉल पेपर या फिर शाहरुख खान वॉलपेपर ये सारे जितने भी वॉल पेपर एप्स हैं प्ले स्टोर में इनके थ्रू आप इतना पैसा कमा सकते हो पर अभी कॉपी राइट का इशू हो सकता है आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम ट्वेंटी अब बात करते हैं ये तो चलो यार फ्रीलैंसिंग का हो गया पर अब मेरा इंटरेस्ट कैसे आया तो मेरे फ्रेंड ने तो ये ऐप्स बनाई थी बट आई वॉन्टेड टू बी यूनिक आई वॉन्टेड टू तो बी माई सेल्फ तो मैंने उस देखकर मैंने ऐप्स बनाई कैलकुलेटर और छोटी मोटी ऐप्स बनाई मैं म्यूजिक प्लेयर बनाने की मेहनत में लग गया मुझे लगा मुझे गूगल प्ले म्यूजिक जैसा नहीं मुझे अपना म्यूजिक प्लेयर बनाना है। देखते कैसे बनता है मैंने बनाने की कोशिश की बहुत डिफिकल्ट था उस चक्कर में मैंने रिसाइकल व्यू एक कॉन्सेप्ट है लिस्ट व्यू समझ लो आप एक लिस्ट कैसे बनाते हैं मैंने वो सीख लिया तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखी और मुझे इतना मजा आया और अगर आज कोई मुझसे पूछते कैसे बनाते हैं दो मिनट में बना के दे दू तो दैट्स हाउ आई लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ फिर मैंने कॉलेज में गया तीन महीने जो मैंने गैप में सीखा था वो इतना यूजफुल था जब मैं कॉलेज में गया मुझे कम्युनिटी नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बताता हूँ कि हमारे स्कूल में जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई एंड्रॉयड क्लब नहीं था जॉर्जेटेक में था मेरे नहीं था तो मुझे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला एक साल तक तो मैं लीड कोड ही करता रहा मैंने कहा कि हम इंटर्नशिप क्रैक करनी है लीड कोड की जगह हमारे हैकर रैंक होता था तब फर्स्ट ईयर में तो मैं हैकर रैंक करता रहा पर उसके बाद जब मुझे फर्स्ट इंटर्नशिप मिली रेफरल से जैसे भी मिली तब मुझे सिर्फ मिली थी एज अ सिस्टम्स इंजीनियर अगर आपने मेरी फोर ईयर जिन फोर मिनट्स वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि मुझे सिस्टम्स इंजीनियर की तरह इंटर्नशिप मिली तब वहाँ पर जाके मुझे वहाँ पर एक एंड्रॉयड टीम दिखी वहाँ पर मैंने अपनी स्किल्स इंप्लीमेंट कर दी कि मैं एक मेंटर्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे मेंटरशिप मिलती है जहाँ पे एंड्रॉयड कम्युनिटी है उनके साथ बैठ के मैं अपनी स्किल्स प्रैक्टिस कर सका जो मैंने पाँच चीजें सीखी थी एक ऐप बना के उसके अलावा पांच दस चीज़ें और सीख सका और क्योंकि मैंने खुद बनाई थी तो मुझे वो चीज़ें अभी भी याद है इवन चार साल हो गए हैं उस बात को पांच साल हो गए तो सो दैट्स द रियलिटी कि मैंने हर बार कोई कोर्स पे स्टिक नहीं किया कोर्स से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए और आई कंटिन्यू टू लर्न बाय डूइंग कम्युनिटी के साथ अपने मेंटर्स के साथ सीखता गया एंड Here I am. And अगर आप एक एवरेज सैलरी देखो ऑनलाइन यू एस में तो मिनिमम सैलरी इज हंड्रेड एंड टेन थाउजेंड या नाइन्टी टू हंड्रेड एंड टेन थाउजेंड डॉलर डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर तो आपको अच्छी अमाउंट आप कमा सकते हो एंड सबसे बड़ा फायदा क्या होता है एंड्रॉय डेवेल्पर बनने का कि आप सेल्फ पेस्ड प्रोग्रामर हो सकते हो आप आठ घंटे का काम अगर चार घंटे पे कर लेते हो तो यू आर मोर प्रोडक्टिव आप और प्रोजेक्ट ले सकते हो यू कैन गेट प्रोमोटेड फास्ट तो डिवेलपर बनने के ये ज्यादा फायदा होता है कभी कभी रिलैक्स टेस्ट भी होते हैं कभी कभी ज्यादा प्रेशराइज और यू you नो know, काफी काफी ज्यादा कोडिंग वाला इन्वायरमेंट भी होता है तो मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पसंद है कि कभी कभी यार आर आराम से काम हो रहा है कभी कभी स्पीड में काम हो रहा है तो यू गेट टू सी बोथ तो इस कारण आई लव दिस अपॉर्चुनिटी एंड मुझे इतना मजा आया कि आई एम स्टिल एन एंड डेवलपर तो एंड्रॉय तो थी मेरी जर्नी अगर आपको आज एंड्रॉयड ट्वेल्व बनना है सो हाउ यू कैन बिकम वन तो आपको मैं एक रोड मैप देता हूँ सो स्टेप वन मेरी रिकमेंडेशन होगी आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन लेते हो यू डिटी यू हमेशा पहले याद रखना है कि ये थेटिकल नॉलेज है आपको छोटे मोटे यू आई के कॉन्सेप्टे जो सिखा रहे हैं आप चाहे पूरे कोर्स में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देख लो पर जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे एक महीने में भूल जाओगे और यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम योर आइडिया आपको सोचना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम देख रहे हो चाहे आप वॉलपेपर हैव टू बी क्रिएटिव इन दिसको चीज याद रखनी चाहिए नाउ स्टेप टू अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू यूट्यूबी पे एंड्रॉयड डेवलपर की बहुत अच्छे कोर्सेज हैं सो माई फेवरेट कोर्स इज फ्रॉम डेव स्लोप्स जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो था स्कॉटलैंड में और मुझे काफी काफी कुछ सीखने का मौका मिला सो so, अगर आपको सीखना है डेव स्लो आई रिकमेंड पाँच सौ रुपये का तब आ गया था एंड नाउ स्टेप थ्री आई एम गोन टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आप सीखोगे यूजर इंटरफेस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू आई इज कंस्ट्रेंट लेआउट जिससे आप दो और तीन और मोर व्यूज में रिलेशन बना सकते हो सो दैट दे आर पैक्ट टुगेदर सेपरेटेड टुगेदर ऑन टॉप ऑफ इच अदर और नेक्स्ट टू वीच अदर जिसके अंदर आपको आना चाहिए

तो एक वॉलपेपर जो इमेज होती है वो बहुत बड़ी होती है तो इट्स ऑब्वियस कि आप photos, सारे फोटोज सारे वॉलपेपर्स ऐप में डाल के किसी यूजर को डाउनलोड करने के लिए नहीं दोगे क्योंकि वो बेचारा वॉल पेपर डाउनलोड करते करते एक घंटा लग जाएगा उसे शायद ऐप डाउनलोड करते ही तो पॉइंट इज कि एक ऐप लाइट वेट होनी चाहिए एंड जो आप वॉलपेपर डाउनलोड करोगे वो इंटरनेट में किसी क्लाउड में आप रख लो और वहाँ से आप डाउनलोड करोगे क्विकली तो इसका क्या फॉर्मूला है आपको एक लाइट वेट इमेज रखनी है क्लाउड में और एक एच रिक्वेस्ट जब आप Google.com खोलते हो जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो यू बेसिकली डूइंग एच टी टी पी रिक्वेस्ट राइट तो वो आपको करनी है अपने एंड्रॉयड ऐप से सो नेक्स्ट स्टेप इज टू लर्न एच टी टी पी रिक्वेस्ट फ्रॉम एंड्रॉयड फोन या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो से कैसे भी करनी है वो आपको आनी चाहिए एंड उसके लिए लाइब्रेरीज आई रिकमेंड अगर आपको लाइब्रेरी सीखनी है तो उसके लिए आई रिकमेंड ओके एच टी टी पी रेट्रोफिट एंड डागर टू ये तीन अच्छे से लाइब्रेरीज सीख लो ताकि कोई एंड्रॉयड डेवलपर की इंटरव्यू भी आती है आपको ये तीनों अच्छे से आनी चाहिए इन कॉटलैंड एज वेल एज जावा डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी के लिए इंटरव्यू कर रहे हो जावा में काम चल जाता है पर अभी के जमाने में कॉटलैंड में ही काम चलेगा बिकॉज कई कंपनीज जो अभी यंग दे आर कंपनी डिवेलपर्स ना वो द फाइनल स्टेप मेक एन ऐप चाहे आपको ऐप आप बनानी हो लाइक वॉल पेपर जो कि एक सिंपल सी लिस्ट है और आपको इमेजेस डाउनलोड करना है बहुत आसान ऐप है, आप है आपको शायद एक हफ्ता लगेगा आप बना लोगे चाहे आपको ऐप आप बनानी हो एक फ्लाइट बुकिंग के लिए उसमें क्या होगा आप दिखाओगे ये लिस्ट ऑफ फ्लाइट अवेलेबल है ये चूज किया और बुक कर ली बहुत आसान है तो छोटी मोटी ऐप्स बना के आप अपना एक्सपीरियंस रिज्यूमे में प्रोजेक्ट की तरह लिखोगे दैट विल मेक श्योर एक इंटरव्यूअर जब आपकी आपका रिज्यूमे देखेगा एक रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देखेगा पकड़ लेगा कि इसने ये लाइब्रेरीज यूज की हैं आपको हर प्रोजेक्ट में लिखना है कि आपने रेट्रोफिट यूज किया एच डी टी पी ओके एच टी पी यूज किया ये सारी सारी लाइब्रेरीज यूज की आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे आपने कॉटलिन यूज किया द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके इंटरव्यूअर उसी वक्त पकड़ लेगा एंड दैट विल बी एबल टू गारंटी कि आपको लीस्ट इंटरव्यू तो मिल जाए तो इस रिज्यूमे से आपको इंटरव्यू जरूर मिल जाएगी एंड बाकी आप पे अगर आप इंटरव्यू अच्छे से दोगे आपकी इंटरव्यू क्लियर भी हो जाएगी सो दैट्स द होल प्रोसेस अब आई ऑल्सो वॉन्ट टू टच ऑन हाउ टू गिव यू इंटरव्यू मैं आपको बताता हूं मैं इंटरव्यू दे रहा था एक एंड्रोय डेवलपर के लिए एक सबसे अच्छी कंपनी मुझे पता है हब स्पॉट दे आर अमेजिंग दे आर रेटेड वन ऑफ द द वर्क लाइफ बैलेंस कंपनी इन दाइए ट सो हटस्पॉट में मैं एक दिन इंटरव्यू दे रहा था टू ईयर अगो सो so, उन्होंने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आई कैनॉट टेल यू वॉट क्वेश्चन इट वॉज बट आई कैन टेल यू जो क्वेश्चन वो पूछते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनी एवरी कंपनी ऑलवेज आस्क यू अबाउट डागर टू रेट्रोफिट ओके एच टी टीपी एंड लिव बिट अबाउट यू आई एलिमेंट्स एंड रिसाइकल यू अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखते हो और उसी वक्त विद इन वन आवर एक ऐप में बना के उन्हें दे सकते हो देन दैल गारंटी कि आप एंड्रॉइडपमेंट की इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए यूज हैव टू नो अबाउट थ्रेड बट वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू पूछे ना पूछे पर आपको थोड़ा बहुत चीजें थ्रेडिंग के बारे में यू आई थ्रेड सर्विस थ्रेड ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि यू आई को यूआई थ्रेड में कब रन करते हैं और क्यों रन करते हैं और बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए सर्विस कब यूज करते हैं ये छोटी मोटी चीजें अगर आपको पता हैन गारंटी कि आपको जॉब मिलेगी एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट फ्रैगमेंट्स तो ये कॉन्सेप्ट आप प्रिपेयर कर लोगे एक्टिविटी फ्रैगमेंट्स एंड देयर लाइफ साइकिल तो आई कैन गारंटी आपको एक महीने में तो क्या विद इन फ्यू वीक्स आपको जॉब मिल सकती है अगर आप ये सारी चीज़ें अपने रिज्यूमे में कंबाइन करके बना के प्रेजेंट कर लो तो सो ऑल द बेस्ट एवरी वन दिस विल बी माई रोड मैप मुझे लगता है कि ये रोड मैप प्रिपेयर करने के लिए आपको एक महीना भी लग सकता है अगर आपको जवाब या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है अगर नहीं आती तो उस लेवल तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपको एक महीना लगेगा सो दैट्स द रियलिटी। ऑल द बेस्ट एवरी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वन गुड बाय